देख सकते हैं फेस एकदम क्लीन हो गया है, सारे ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स सब, टैनिंग भी थी वो भी सब चली गई है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के व्लॉग में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक स्किन केयर रूटीन के बारे में, जो हर कोई ट्राई कर सकता है, चाहे मैन हो वेमेन हो, तो कोई भी ट्राई कर सकता है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि मैं खुद इसको ट्राई करता हूँ, अपने लाइफ में यूज़ करता हूँ उसको, और सिर्फ 15-20 मिनट लगते हैं इस टोटल ओवरऑल रूटीन में। तो अगर आपको किसी डेट पे जाना है, किसी पार्टी में जाना है, या किसी फंक्शन में जाना है, या कोई स्पेशल ओकेजन है, तो इस रूटीन को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, पास ही दिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो स्टेप वन में हम लोग करेंगे स्क्रब। अब मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ बायोटेक कंपनी का स्क्रब। आप किसी भी कंपनी का स्क्रब ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें आप अच्छी कंपनी का स्क्रब लें, क्योंकि अगर आप किसी लोकल ब्रांड का या सस्ते ब्रांड का लेते हैं स्क्रब, तो उस पर कुछ रिएक्शंस भी हो सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि आप अच्छे ब्रांड का स्क्रब लेंगे, तो उससे दिक्कत नहीं आएगी। अब ये जो मैंने बायोटेक कंपनी का यूज़ कर रहा हूँ, उस पर लिखा है बायो पपाया रिवाइटलाइजिंग टैन रिमूवल स्क्रब फॉर ऑल स्किन केयर टाइप। तो ये मुझे पड़ा है 200 रुपये का, और आप भी इसको ले सकते हैं अगर चाहें तो। और इसमें लिखा है दिस इज नॉट अ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, इट हैज थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज और 100% आयुर्वेदिक है। तो ये रहा, चलिए शुरू करते हैं स्क्रब। सो स्क्रब करने से पहले अपना फेस को गीला कर लें, तो चलिए मुंह धोते हैं। फिंगर्स की हेल्प से आराम से चेहरे पे स्प्लिट कर लेंगे। फिंगर टिप्स ही हेल्प से करेंगे, थोड़ा पहले फिंगर को वेट कर लेंगे फिर करेंगे। लगभग 5-7 मिनट तक स्क्रब करना। उंगलियां सूखने पर फिर से गीली कर लें, ताकि फिंगर्स आपकी मॉइस्चराइज रहें और इजीली स्क्रबिंग हो सके। पांच से सात मिनट हो चुके हैं स्क्रब करने के बाद। अब चलिए फेस को वॉश करते हैं, और फिर सेकंड स्टेप। फेस वॉश हो चुका है, अब हम लोग स्टेप टू करेंगे, जो है फेस पैक। अब फेस पैक मैं लगाऊंगा इसमें सैंडल का, ये डाबर का मैंने लिया था, मुझे एक्चुअली फ्री मिला था डाबर के साथ में, मैंने रोज़ वाटर लिया था डाबर का। तो आप कोशिश करें कि आप हिमालय का नीम फेस पैक लगाएं, या किसी अच्छे ब्रांड का नीम फेस पैक लगाएं, क्योंकि नीम से ज़्यादा अच्छा ग्लो आता है, तो आप वो यूज़ करें। तो चलिए फेस पैक लगाते हैं। तो ये मैं यूज़ कर रहा हूँ डाबर का सैफ्रन एंड सैंडल फेस पैक। आप यूज़ कर सकते हैं इसको, या फिर आप नीम वाला चाहें तो वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करना है रोज़ वाटर से। तो पहले इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये रहा रोज़ वाटर। अच्छे से पुट्टी बना लेंगे, एक कंसिस्टेंट पेस्ट
बनाएंगे या फिर ब्रश नहीं है तो इसलिए उंगलियों से लगाना पड़ रहा है। सभी जगह लग चुका है। अब सूखने का वेट करेंगे। तो जब तक मेरा फेस पैक सूख रहा है तब तक कोल्ड कॉफी एंजॉय करते हैं। तो फेस पैक लगभग सूख गया है पूरा, तो चलिए इसको वॉश कर लेते हैं। फेस वॉश हो चुका है, अब बढ़ते हैं लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3 के लिए। तो ये स्टेप बहुत सिंपल है, 2 मिनट तक आइस क्यूब से मसाज करनी है फेस पे। इससे जो स्क्रब करने के बाद हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं वो सारे इससे बंद हो जाएंगे। स्किन एकदम टाइट हो जाएगी इससे। सिर्फ 1 से 2 मिनट करना है, ज्यादा नहीं। लगभग 1 से 2 मिनट तक मसाज करने के बाद टॉवल से पोछ लेना। लास्ट में बस थोड़ा सा एक मॉइस्चराइजर और लगा लें ताकि सूखापन ना रहे, बहुत ही थोड़ा सा। मॉइस्चराइजर से एकदम स्किन मॉइस्चराइज हो जाएगी सही से। देख सकते हैं फेस एकदम क्लीन हो गया है, सारे ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, सब जो थोड़ी बहुत टैनिंग भी थी वो भी सब चली गई है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।